माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का डिजिटली शुभारंभ करने की कृपा करें। भारत सरकार की ओर से लाभार्थी किसानों के खातों की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा डिजिटली स्थानांतरित की जाएगी। इसका सीधा वितरण होगा और संख्या की दृष्टि से आपसे साझा करें तो इसके अंतर्गत 1,01,06,880 लाभार्थी किसानों के खातों में ये राशि पहुंचेगी और ये राशि है 2,021 करोड़ रुपए की, जो लघु एवं सीमांत किसानों के खातों में प्रेषित की जाएगी। पीएम मोदी ने दी सौगात, 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए 21,000 करोड़ से अधिक की धनराशि। जी हाँ किसान भाई, आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा और सही सुना, पीएम किसान योजना के अगली किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रूपए धनराशि किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसके तहत अब तक किसानों के खाते में अगली किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी कि पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त भी किसानों के खाते में जल्द ही जारी कर दी जाएगी। पीएम किसान योजना के तहत 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई के बीच पहली किस्त दी जाती है, वहीं दूसरी किस्त 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर के बीच किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। वहीं तीसरी किस्त की बात करें तो 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च के बीच किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। यानी कि आप मान सकते हैं कि 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च के बीच किसी भी दिन आपके खाते में पीएम किसान योजना की अगली किस्त यानी कि 13वीं किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त 15 दिसंबर तक किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि आप मान सकते हैं कि इसी महीने आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने अपनी ईकेवाईसी अपडेट नहीं करवा रखी, जल्द से जल्द अपनी ईकेवाईसी अपडेट करवा लें, आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।